नमस्कार दोस्तों, मैं शुभान सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने आर्ट एक स्टडी चैनल में। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैक वाईफाई और वाई हॉटस्पॉट पासवर्ड यूजिंग CMD। यानी कि आज हम सीखेंगे कि आप वाईफाई या किसी के भी फोन के वाईफाई या किसी भी सिस्टम के वाईफाई को कैसे CMD कमांड का यूज करके उसके पासवर्ड को जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर देर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना आप जरूर मत भूलिएगा। तो चलिए विंडोज आर प्रेस करते हैं। जैसे विंडोज आर प्रेस करते हैं तो हमारे ऊपर एक रन विंडो खुल के आते हैं, उसमें हम लिखेंगे CMD। ठीक है, CMD जैसे चलिए CMD ओपन हो जाएगा हमारा। अब उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे CD/ लिख के, सॉरी बाहर आते हैं। ठीक है, CD/ लिख के हम यहाँ पे बाहर आ गए। अब यहाँ पे हम ब्लाइंड ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लाइंड ओपन करने का कमांड ये है, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेट्स ओपन किए, उसके बाद ब्लाइंड ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, तो ब्लाइंड में घुस गए हम। अब इनके अंदर जब हम घुस गए हैं तब हम सीधा क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपनी सारी प्रोफाइल चेक करेंगे जो जो हमारे सिस्टम में आनी है। हम लोग जिसके जिसके वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे उनकी प्रोफाइल हमारे इसमें शो करेगी। ठीक है, तो ये शो कर रही है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल है हमारे सिस्टम में। तो सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी थी कमांड लिखने में। ठीक है, तो वो यहाँ पे इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं। तो उसके बाद हम भैया आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा है, उठा ले डंडा दे दना दन। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अब हमें जिसका भी शो प्रोफाइल जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिखेंगे उस प्रोफाइल का, नेम उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। अब जैसे भी हमें AD का निकालना है, ठीक है, AD का निकालना है, उसके बाद उसकी की को चेक करेंगे। ठीक है, की इक्वल टू AR। ठीक है, अब हम इंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो इसके पूरे यूजर, इसकी प्रोफाइल है, इसका वर्जन क्या है, इसके टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, कंट्रोल मोड कनेक्टेड मैन्युअली है, मैक रिकग्नाइजेशन यानी मीडिया सुवेलती कोड जो है वो डिसेबल्ड है, नंबर ऑफ SSD 1 है, SSD नेम AD है, नेटवर्क टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब मेन इसमें सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी की जो है इसकी ये एब्सेंट है, यानी कि सिक्योरिटी की इसमें नहीं लगाई गई है। ठीक है, और असर्टिव ओपन है और जो इसका सिफर है इसमें कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि इस वाले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी, और फिर भी अगर जहाँ सिक्योरिटी लगाई गई होती तो ये एब्सेंट जहाँ पर लिखा है यहाँ पर पूरी उसकी सिक्योरिटी दी गई होती। तो चलिए हम एक बार दूसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा चेक करते हैं। तो जहाँ नेम है वहाँ की जगह हम कुछ दूसरा ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ है हमारा वो। तो दूसरा लेने के लिए अब हम एक बार ऊपर जाएंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ऊपर जाएंगे। सॉरी, नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो प्रोफाइल फिर से करेंगे तो प्रोफाइल ऊपर हो गई। तो ठीक है, एक VPM Pro है ये जो देख रहे हैं, VPM Pro, हम इसका चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका चेक करेंगे। तो VPM Pro का चेक करने के लिए सपोज दैट हमें क्या लिखना होगा, VPM PRO। ठीक है, अब VPM Pro की ID आ गई। तो अब इसमें जो इसकी सिक्योरिटी की है, की कंटेंट जो उसका, ये GPJNP है, तो यही इसका पासवर्ड है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम फाइनली सीख गए हैं किस तरह से उसकी सारी की को हम सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास फैला दें ताकि वो किसी के वाईफाई के पासवर्ड को यूज़ कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर डेटा बहुत महंगा है। थैंक यू।